आज है गुरुवार और शुक्रवार के बाद शनिवार को है पूर्णिमा। हर महीने की जो पूर्णिमा होती है उसका मैं व्रत करती हूँ, और साथ ही पूर्णिमा के बाद चालू हो जाएगा श्रावण का महीना। और इसी तरह से अब लगातार हर महीने कुछ ना कुछ त्यौहार आते रहेंगे। तो मुझे देखना था कि मेरे मंदिर के नीचे जो सेक्शन है जिसमें मैं पूजा के सामान रखती हूँ, तो कौन सी चीज़ें हैं और कौन सी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। आज आप लोगों को मेरी आवाज़ भी थोड़ी चेंज लगेगी, क्योंकि यहाँ पे मुझे थोड़ा कोल्ड हो चुका है। कोल्ड होने की वजह से आवाज़ बहुत ज़्यादा ही मतलब फ़र्क पड़ रहा है, और मेरा गला भी बहुत भारी भारी है। लेकिन वीडियो को वॉइस ओवर करना था तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ। तो यहाँ पे मुझे इस सेक्शन को थोड़ा सेट भी करना था, क्योंकि काफ़ी दिन से ऐसे ही डेली में जब चीज़ें हम लेते हैं, कभी जल्दबाजी रहती है कभी आराम से, तो चीज़ें यहाँ वहाँ हो जाती हैं। तो उसे भी ठीक कर दूँगी, साथ ही चेक कर लूँगी कि कौन सी चीज़ें हैं कौन सी ख़त्म हो गई हैं, फिर उसे मार्केट से लाके उसमें सेट कर सकती हूँ। क्योंकि श्रावण की जो महीना होता है वो भी पूरे महीने पूजा करना होता है, साथ ही मेरे हर महीने की जो पूर्णिमा की पूजा होती है, सत्यनारायण भगवान की पूजा होती है, उसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें लगती हैं पूजा में। तो इसी बहाने साफ़ सफाई भी हो जाएगी और साथ में ही चीज़ें भी पता चल जाएंगी। यहाँ पे देखिए जो भी चीज़ें थी उस सेक्शन में सभी को मैंने निकाल दिया है, और अंदर से जो सनमाइका है वो वाइट कलर में है, और यहाँ पे थोड़ा सा घी ऑयल ये सब चीज़ें भी रखी जाती है, तो थोड़ी सी ऑयली भी हो जाता है। तो पहले उसे मैं क्लीन कर दूंगी। तो यहाँ पे मैं क्लीन करने के लिए जो हमारा फैब्रिक कंडीशनर आता है उसी को मैं यूज़ करती हूँ। तो इस तरह से एक स्प्रे बॉटल में पूरा पानी ले लेती हूँ, और उसमें एक ढक्कन जो स्प्रे मतलब ये आता है अपना फैब्रिक कंडीशनर, उसे उसमें मिक्स कर देती हूँ। उससे बहुत ही अच्छे से फर्नीचर साफ़ हो जाता है, और एक जो उसमें फ्लेवर आता है मतलब खुशबू आती है उससे भी बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगती है। तो उसी से मैं इस तरह से जो भी मेरे सलमाइका है फर्नीचर है सभी को मैं साफ़ करती हूँ। काफ़ी पहले मैंने एक वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर भी किया था। तो देखिए इस तरह से इसे क्लीन कर लिया है। अब यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं उसे मैं देख ले रही हूँ कि किस में क्या चीज़ कम है ज़्यादा है या कुछ डिस्टर्ब हुआ है, तो उसे भी ठीक कर दूंगी। अगर आप अपने घर को अच्छे से ऑर्गेनाइज और वेल मेंटेन रखना चाहते हैं, तो कोई भी सेक्शन को ऑर्गेनाइज करने के लिए आप उसमें ऑर्गेनाइज़र का यूज़ करें, और छोटे बड़े बास्केट जो पुराने नए या मार्केट से लाके उन तरह के बास्केट का यूज़ करें। तो यहाँ पे देखिए मैंने इस तरह से ही छोटे छोटे बास्केट बना रखे हैं जिसमें हर चीज़ों को अलग अलग सेग्रीगेट करके रखा है। इस तरह से जब हम हर चीज़ों को अलग अलग सेग्रीगेट करके रखते हैं तो हमें चीज़ें ढूंढने में टाइम नहीं लगता है, हमें पता रहता है कि किस बास्केट में कौन सी चीज़ है, तो आराम से उसे हम ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो बास्केट है इसमें जैसे धूप अगरबत्ती मैच बॉक्स ये सब चीज़ों को मैं रखती हूँ। जो भी महीने भर मुझे स्टोर करती हूँ चीज़ों को उसे मैं इसमें स्टोर कर देती हूँ, और जो एक दो पैकेट मुझे लगते हैं वो ऊपर मंदिर के ड्रॉवर में रखती हूँ। तो जब मुझे ख़त्म हो जाता है तो उसमें से मैं उसे ले लेती हूँ। इसी तरह से देखिए यहाँ पे जो भी पुराने हमारे डब्बे होते हैं घर में उसका भी आप रीयूज़ कर सकते हैं। तो इसमें मैं इस तरह से जो भी गोल लंबी वाली बाती होती है उसे इसमें रख दिया है। इसी तरह से ये जो पुराना वाला एक वाइट कलर का मिठाई का डब्बा था इसमें मैं इस तरह से धूप रख देती हूँ, जो कप धूप आते हैं उसे रखती हूँ। तो यहाँ पे देखिए वो ख़त्म हो चुके हैं, तो उसमें फिल कर दूंगी, क्योंकि इस तरह से पैकेट्स में होते हैं और जब हमें पूजा करना होता है तो पैकेट निकालो फिर उसमें से लो, तो मैं वो नहीं करने के बजाय इस तरह से उसे निकाल के ही इस तरह से बास्केट में रख देती हूँ। तो जब मुझे ज़रूरत होती है तो मैं इसमें से एक एक लेके अपना धूप लगा देती हूँ। और कुछ मेरी फ्रेंड्स मेरी बहनें मुझसे करके पूछ रही थी कि आप कौन सा धूप का यूज़ करती हैं, तो देखिए इस वाले धूप का ही मैं यूज़ करती हूँ। जहाँ भी मुझे अच्छे फ्लेवर का मिल जाता है वहाँ से मैं इस तरह का कप धूप ले लेती हूँ। उसी के साथ यहाँ पे देखिए इस तरह का एक सेक्शन वाला भी मैंने डब्बा ले रखा है, वाला लवंग इलायची सुपारी हल्दी की गांठ जो रक्षा होता है बांधने वाला कलेवा ये सब चीज़ों को अलग अलग इसमें करके रखती हूँ, और इसी में आराम से चेक भी कर लेती हूँ कि अब कौन सी चीज़ मेरी ख़त्म हुई है। तो इस तरह से ये भी एक सेक्शन है। साथ ही एक ये पुराना सा डब्बा था जिसमें इस तरह से जो मिट्टी वाले दिए होते हैं उसे इसमें स्टोर करके रखती हूँ, क्योंकि मिट्टी वाले दिए की भी ज़रूरत पूजा में लगती रहती है। तो इस तरह से ये इसमें स्टोर कर देती हूँ। तो इस तरह से देखिए अलग अलग करके रखा है तो मुझे काफ़ी आसानी हो जाती है। साथ ही इस तरह के जो मतलब ऑर्गेनाइज़र था मेरे पास पड़ा था उसका मैंने यूज़ किया है, जैसे कि यहाँ पे एक में इस तरह से घी तेल ये सब जो भी चीज़ें लगती हैं उसे रख दिया है, और एक सेक्शन में इस तरह से जो भी भगवान को लगाने वाला भोग का बॉटल हैं उसे सबको मैंने एक साथ सेट कर दिया है।
यहाँ पे देखिए, एक जो तिल के तेल का बॉटल है, मेन बॉटल है, उसे तो मैं इस तरह से रख देती हूँ। और जो डेली में मुझे तेल जब लगता है तो उसके लिए मैं इस तरह से एक नया सा इस तरह से सॉस का बॉटल लेके उसमें तेल को स्टोर करके रखती हूँ। इसमें से जब दिए में डालती हूँ तो बिल्कुल तेल यहाँ वहाँ गिरता नहीं है। अगर बड़े मुँह वाले बॉटल से हम दिए में तेल डालने लगते हैं तो तेल हमारा यहाँ वहाँ गिरता है और वेस्टेज भी होती है और गंदगी भी होती है। तो यहाँ पर मैं इस तरह से ये सॉस के बॉटल का यूज़ करती हूँ। डेली में पूजा में लगने वाले जो छोटे मोटे बर्तन लगते हैं उसे मैं इस तरह से इस ऑर्गेनाइज़र में रखती हूँ। मेरे पास ये ऑर्गेनाइज़र मेरी दीदी ने दिया था, तब से मैं इसका यूज़ कर रही हूँ। तो बड़ा अच्छा सा ये भी ऑर्गेनाइज़र है। इसमें इस तरह से जो भी छोटे बड़े दिए होते हैं, भोग के बर्तन होते हैं, उन्हें सब एक जगह पर रख देती हूँ। साथ ही यहाँ पर जो दूसरा वाला ऑर्गेनाइज़र है उसमें जो भी मंदिर में बिछाने वाला आसन है, भगवान जी के कपड़े हैं, वस्त्र हैं, उनका टॉवेल है, वो सब चीज़ों को इसमें ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ। इस तरह से अलग अलग रखने पे, जैसे कि मैं हमेशा कह रही हूँ कि मुझे बहुत ही आसानी होती है। तो आप लोग भी कोशिश किया करें कि आपके घर में जो भी चीज़ें हैं उसे अलग अलग करके अगर आप रखेंगे तो जब भी आपको जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो आपका हाथ डायरेक्ट उसी बास्केट पे जाएगा, उसी सेक्शन में जाएगा जिसमें उस चीज़ को आपने रखा है। सभी सामान को हमें उथल पुथल नहीं करना पड़ता है। तो इस तरह से हमारा काम भी आसान हो जाता है और हमारा टाइम भी सेव होता है। और यहाँ पे एक मैंने इस तरह से बड़ा सा बास्केट बना रखा है जिसमें जैसे अक्षत हुआ, तिल हुए, और भगवान को लगाने वाले टीका, चंदन हुए, जो भी छोटी मोटी चीज़ें, मतलब पूजा के टाइम तो बहुत सारी चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है, तो उन सब चीज़ों को इसमें रखती हूँ। तो इस तरह से सभी सेक्शन को मैंने चेक कर लिया है और अच्छे से, मतलब ऑर्गेनाइज भी कर लिया है। जो थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हुआ था उसे अच्छे से सेट कर दे रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए, सेट कर देने के बाद कितने अच्छे से मेरा ये सेक्शन सेट हो गया है। छोटी सी ही जगह में इतना सारा सामान आराम से आ जाता है और जब भी मुझे डेली में ज़रूरत पड़ती है तो बहुत ही आसानी से चीज़ों को मैं ले लेती हूँ। और आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बहुत ही टेस्टी सा मार्केट जैसा पाव भाजी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स और बहनें मुझे कमेंट करती हैं कि आप जो भी खाना आपके घर में बनाया कीजिए, प्लीज़ उसकी भी रेसिपी शेयर किया कीजिए। तो मैं यहाँ पे पाव भाजी बनाने जा रही हूँ तो मैंने सोचा इसकी रेसिपी भी आज आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर देखिए, पाव भाजी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने फ्रोज़न मटर ले लिया है, क्योंकि मटर को मैंने फ्रिज में स्टोर करके साल भर के लिए रखा हुआ है तो उसे ले रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पर हरे मटर का भी यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही यहाँ पे 1.5 किलो शिमला मिर्च, 1.5 किलो फूल गोभी और 1.5 किलो ही आलू को अच्छे से साफ करके कट करके इस तरह से उसे अच्छे से वॉश कर लिया है। तो सभी को मैं यहाँ पे कुकर में बॉईल कर लूँगी, सभी सब्जियों को बॉईल करेंगे। यहाँ पे अगर आपके पास बीट रूट हो तो छोटा सा टुकड़ा बीट रूट भी डालें। यहाँ पर मुझे मिला नहीं इसलिए मैं नहीं डाल रही हूँ। बीट रूट डाल देते हैं तो बहुत ही अच्छा सा हमारे पाव भाजी में कलर आता है, लेकिन इस बार मुझे मिला नहीं है तो मैं उसके बिना ही बनाने वाली हूँ। तो देखिए, सभी सब्जियों को मैंने इसमें डाल दिया है और यहाँ पे 300 ग्राम तक ये मेरा फ्रोज़न वाला मटर होगा। तो सबको कुकर में डाल के और पानी डाल देंगे और उसी के साथ नमक डाल के अच्छे से मिक्स करके और इस कुकर को लगा देंगे। 4 से 5 सीटी लगाएंगे कि सब्जियाँ अच्छे से मैश हो जाए। एक साइड में सब्जियां बॉईल होती रहेंगी और एक साइड में हम पाव भाजी का मसाला रेडी करते रहेंगे, क्योंकि मसाला रेडी करने में भी काफ़ी टाइम लगता है। तो यहाँ पे देखिए, एक साइड में मैंने इस तरह से एक बड़ा सा बर्तन ले लिया है और उसमें मैंने बड़े चम्मच, 4 चम्मच मैंने तेल डाला है। अब उसमें हम डालेंगे, यहाँ पर मैंने 4 बड़े साइज़ के प्याज को इस तरह से देखिए एकदम बारीक कट कर लिया है। एकदम बारीक हमें कट करना है, बिल्कुल मतलब बड़े पीसेस ना रहे। अब इसे हम इसमें अच्छे से भुनेंगे, क्योंकि प्याज की क्वांटिटी ज़्यादा है तो भुनने में भी टाइम लगेगा और जब तक हमारे मसाले रेडी होंगे तब तक हमारा जो सब्जी है वो भी कुक हो जाएगी। तो साथों साथ दोनों काम हो जाएगा, नहीं तो फिर बहुत सारा टाइम देना पड़ेगा। जब इस तरह से प्याज ट्रांसपेरेंट सा हो जाए और थोड़ा सा गोल्डन कलर उसमें आ जाए, बहुत ज़्यादा हमें उसे भुनना नहीं है, बहुत ज़्यादा उसको मतलब गोल्डन कलर नहीं करना है, इस तरह से जब ट्रांसपेरेंट सा हो जाए। और यहाँ पे देखिए, प्याज भुनते भुनते ही हमारा जो कुकर था उसकी 4-5 सीटी लग गई है, तो उसे मैंने साइड में कर दिया है कि उसका जो भी गैस है वो खुद ही रिलीज़ करे। तो यहाँ पर इसको इस तरह से भून लेने के बाद अब यहाँ पर मैंने ये 10-15 लहसुन की कलियाँ और
मतलब टुकड़े अदरक के और 5-6 हरी मिर्च को इस तरह से पेस्ट बना लिया है, इसे इसमें डाल रही हूँ। इस तरह से पेस्ट आप ज़रूर बना के डालना, आप देखेंगे कि आपके सब्जी का टेस्ट बहुत ही लाजवाब हो जाएगा। और यहाँ पे जो मिर्ची है उसे आप आपके पसंद के हिसाब से कम ज़्यादा डाल सकते हैं, मैंने 4-5 डाला है। और साथ ही लहसुन और अदरक हमें अच्छा खासा डालना है कि मतलब उससे ही सब्जी का फ्लेवर बढ़ता है। तो इसे डाल के आप प्याज के साथ इसे भी 3 से 4 मिनट भूनेंगे कि अदरक लहसुन का कच्चापन निकल जाए। और जब तक अब लहसुन अदरक का पेस्ट भून रहा है तो यहाँ पे कुकर की सीटी भी निकल गई है, तो उसे खोल के इस तरह से जो सब्जियाँ हैं उसे मैशर से इस तरह से मैश कर देंगे। अच्छी तरह से हमें मैश करना है। आपने देखा होगा कि मार्केट में जो पाव भाजी मिलती है उसमें पता ही नहीं चलता कि कौन सी सब्जियाँ उन्होंने यूज़ किया है, तो उसी तरह से हमें भी ऐसे ही करना है। यहाँ पर थोड़ा सा मेरा जो सब्जी में पानी है वो ज़्यादा हो गया है, लेकिन वो चल जाएगा। अच्छी तरह से उसे हमें मैशर से इस तरह से मैश कर देना है। अब देखेंगे कि पूरी तरह से वो हलवा बन जाएगा। अब यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट अच्छे से भून चुका है, अब इसमें ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने 5 बड़े साइज़ के लाल एकदम टमाटर को इस तरह से पेस्ट बना लिया है, इसे डाल रही हूँ। यहाँ पे टमाटर कोशिश कीजिएगा कि एकदम लाल लाल रहे, तभी उसका कलर भी अच्छा आएगा और फिर हमारे पाव भाजी की भाजी की भी कलर बहुत अच्छी आएगी। तो इसे इसमें डालेंगे। उसी के साथ अब यहाँ पर मसाले भी ऐड करेंगे। तो मसालों में मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच तीखा मिर्ची पाउडर, ये भी आप आपके पसंद के हिसाब से कम ज़्यादा डाल सकते हैं। साथ ही 2 चम्मच डाल रही हूँ कश्मीरी लाल पाउडर, जिससे कि कलर बहुत अच्छा आएगा। 2 चम्मच धनिया पाउडर और आधा चम्मच गरम मसाला, और साथ ही भुना हुआ जीरा पाउडर डाल रही हूँ। और उसी के साथ पाव भाजी मसाला डालेंगे 2 बड़े चम्मच। सभी मसालों को ऐड कर देने के बाद अब अच्छे से सभी चीज़ों को मिक्स करेंगे और इसे ढक के अब स्लो फ्लेम पे हमें अच्छी तरह से मसालों को कुक करना है। जब तक कुक करना है जब तक उसमें से अच्छा सा तेल ना छूटने लगे। यहाँ पे देखिए मसाले हमारे बहुत अच्छे से कुक हो गया है, बीच बीच में मैं इसे चलाते भी जा रही थी, तो यहाँ पे देखिए बहुत अच्छे से मसाले कुक हो गए हैं और उसमें से तेल छूटने लगा है। और आप देख सकते हैं कितना प्यारा सा इसमें कलर आ गया है। अब इसे अच्छे से फिर से एक बार मिक्स करके और जो हमने सब्जियों को गला के रखा है उसे इसमें डाल देंगे और उसे डाल के अच्छे से मसालों के साथ सब्जियों को पूरे को मिक्स करेंगे। सब्जियां देखिए इस तरह से ही पूरी तरह से गल जाना चाहिए। अगर आपकी सब्जियां थोड़ी बहुत खड़ी लग रही हैं तो आप उसे मसालों के साथ मिक्स करने के बाद भी मैशर से अच्छे से मैश कर सकते हैं। और साथ ही उसमें फिर यहाँ पे मैं नमक डाल दे रही हूँ, नमक भी ध्यान से डालिए क्योंकि सब्जियों को कुक करते समय बॉयल करते समय भी हमने नमक डाला था। तो उसे अच्छे से फिर मिक्स करेंगे। और यहाँ पर देखिए अभी सब्जी बहुत गाढ़ी लग रही है तो इसमें हम पानी ऐड करेंगे। पाव भाजी की जो भाजी होती है वो थोड़ी गाढ़ी ही होती है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा गाढ़ी है तो इसमें मैं पानी ऐड कर रही हूँ। पानी भी बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना है, हिसाब से ही ऐड करना है। अब इसे डाल के थोड़ा सा इसे हम ढक के कुक करेंगे कि इसमें उबाल आने लगे। और यहाँ पे ध्यान देना है कि ये सब्जियों को जब इस तरह से मैश करते रहें तो आराम से कीजिए, क्योंकि उसके छींटे हाथ पे उड़ने का डर हो जाता है। भाजी में अब उबाल आने लगा है तो भाजी हमारी रेडी हो गई है। तो लास्ट में इसमें मैं डाल रही हूँ बहुत सारा बटर। बटर यहाँ पे आप सर्व करते समय भी डाल सकते हैं, लेकिन इस तरह से सब्जी कुक होने के बाद भी आप डालेंगे तो आपका जो भाजी है वो बहुत ही बटरी बन जाएगा। तो उसे मैं इसमें डाल के मिक्स कर रही हूँ। साथ में डालेंगे बहुत सारा हरा धनिया। तो हमारी सब्जी रेडी हो गई है। तो आप देख सकते हैं कितना टेस्टी सा हमारा पाव भाजी की भाजी रेडी हुई है। यहाँ पर अगर आपकी भाजी में कलर नहीं आ रहा है मार्केट जैसा तो आप यहाँ पे थोड़ा सा फूड कलर भी डाल सकते हैं। अगर आप बीट रूट डालेंगे तब भी आपका बहुत अच्छा कलर आएगा। और अगर आपकी जो कश्मीरी लाल पाउडर है वो भी अच्छा वाला है तो उससे भी बहुत अच्छा कलर आ जाता है। तो इस तरह से हमारी सब्जी रेडी हो गई है। तो चलिए अब हम पाव सेक लेते हैं। मार्केट जैसी पाव भाजी की फीलिंग लाने के लिए मार्केट जैसी ही हम प्लेटिंग भी करेंगे। तो यहाँ पे देखिए प्लेट में मैंने भाजी रख दिया है और उसी के साथ यहाँ पे थोड़े से कुकुम्बर रख रही हूँ, साथ ही नींबू रख रही हूँ और बारीक कटे हुए प्याज रख रही हूँ। और यहाँ पे गार्निश कर दे रही हूँ हरा धनिया से और बटर से। अब यहाँ पे पाव सेकेंगे। तो पाव सेकने के लिए यहाँ पे मैंने तवे पे थोड़ा सा बटर ऐड कर रही हूँ। बटर के साथ लाल मिर्ची ऐड करेंगे, मतलब कश्मीरी लाल पाउडर ऐड करेंगे और साथ ही थोड़ा सा धनिया ऐड करेंगे। उसे मिक्स करके इस तरह से पाव को सेक लेंगे। इस तरह से पाव सेक के जब हम सर्व करते हैं तो आप ज़रूर ट्राई करके देखना, बहुत ही टेस्टी सी हमारी पाव भाजी लगती है। बिल्कुल ही कोई यकीन नहीं करेगा कि इसे हमने घर
घर में बनाया है, तो इस पाव भाजी को आप ज़रूर ट्राई करना, और मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताना कि आपको मेरी ये पाव भाजी कैसी लगी। अब यहाँ पे मैं शाम को गई थी डीमार्ट में, क्योंकि मुझे बड़ा सा बास्केट लाना था, ये सब जो भी मैंने भगवान जी के लिए बर्तन लाए थे उसे मुझे रखना था उसमें, क्योंकि अब पूर्णिमा के दिन से इन सब बर्तनों का यूज़ करूँगी। अब तो पूरे त्यौहार आ रहे हैं तो ये बर्तनों का खूब यूज़ होने वाला है। तो यहाँ पर ये जो नए वाले बर्तन लेते हैं हम, इसमें इस तरह से स्टीकर लगे रहते हैं, जिसे निकालने हम जाते हैं तो किसी भी नुकीली चीज़ से निकालते हैं तो उसमें स्क्रैच आ जाता है। तो उसका मैं एक आज बहुत ही अच्छा सा आपको आइडिया बताती हूँ। इस तरह से आप गैस पे बर्तन को रख दे, एकदम स्लो फ्लेम पे रख दे, और जैसे ही थोड़ा सा बर्तन मतलब गुनगुना सा होगा तो देखेंगे आप उसमें का जो स्टीकर है वो बड़े आराम से निकल जाता है, बिल्कुल हमें मेहनत नहीं करना पड़ता है। इस तरह से आप आपके जो भी नए बर्तन हो उसके स्टीकर निकाल सकते हैं। वैसे हम उसको खुरुच खुरुच के निकालते हैं तो उसका लुक भी ख़राब हो जाता है और जो उसमें स्क्रैच आ जाते हैं वो अलग आ जाते हैं। तो इस तरह से देखिए सभी बर्तनों के जो भी स्टीकर लगे हैं, प्राइस टैग लगे हैं, इसे मैं निकाल दूंगी और निकाल के रखूंगी। अभी वॉश नहीं करूंगी, पूर्णिमा के दिन ही इसे वॉश करके फिर भगवान जी के प्रसाद बनाने के लिए इसका यूज़ करूंगी। इस तरह वाले जो डीमार्ट में बास्केट आते हैं तो काफ़ी यूज़फुल होता है। मैंने पहले भी काफ़ी सारे इस तरह के बास्केट लिए हैं मेरे चीज़ों को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। तो ये बड़ा वाला मैंने बास्केट लिया है जो मुझे 499 रुपीज़ में मिला है। काफ़ी सुंदर सा रहता है और काफ़ी स्पेसियस रहता है, और इसमें इस तरह से नीचे के तरफ व्हील भी लगा होता है कि आराम से आप अगर कहीं नीचे, कहीं आपके सोफ़े के नीचे या आपके बेड के नीचे भी जगह है तो आप इसे अच्छे से वहाँ भी सेट कर सकते हैं। और अगर उसमें बहुत सारे हैवी चीज़ है तो उसे आप इस तरह से ट्रॉली टाइप का भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें ही सभी बर्तनों को मैं रख दूंगी, और इस तरह से देखिए बहुत अच्छे से मेरे सभी बर्तन इसमें आ गए हैं। और जब मुझे ज़रूरत हुआ करेगी भगवान जी की पूजा के दिन, तो उस दिन मैं इसमें से बर्तनों को लेके यूज़ किया करूँगी और फिर धो के साफ करके फिर इसमें रख दिया करूँगी। सो फ्रेंड, ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी, और प्लीज़ वीडियो को भी लाइक शेयर करना, और साथ ही मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं फिर नए वीडियो में। बाय बाय।